आप देख रहे हैं खोज वर्ल्ड और खोज वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे भारत के ऐसे 5 अमीर मंदिरों के बारे में जिनके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और आखिर ऐसे समय में हमको इन 5 मंदिरों के बारे में क्यों बताना पड़ रहा है, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के हर कोने में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। हर मंदिर में आपको भक्तों की लंबी कतारें मिलेंगी। देश के हर मंदिर में भक्तों द्वारा किए गए दान से मंदिरों की संपत्ति के बारे में आप सुनेंगे तो आपकी नजरें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, इन मंदिरों की संपत्ति अगर सरकार को मिल जाए तो इस संकट की घड़ी में मोदी जी को देश के लिए किसी से डोनेशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आज हम आपको ऐसे ही 5 मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनकी संपत्ति अरबों खरबों रुपयों में है। सबसे पहले बात करेंगे पद्मनाभ मंदिर की। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आता है। इस मंदिर की जो टोटल वेल्थ है वो 22.3 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए है। अगर देखा जाए तो 2015 तक भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अम्बानी की नेटवर्थ 18.9 बिलियन डॉलर यानी कि 1.26 लाख करोड़ रुपए रही। ये राशि मंदिर की संपत्ति से कम है। इसमें मंदिर में रखे एंटीक की कीमत शामिल नहीं की गई है। मंदिर के खजाने में से गोल्ड चैन, क्वाइन और गोल्ड का ढेर मिला है। ये मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर सबसे अमीर हिंदू मंदिर के तौर पर जाना जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ लगभग 500 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, यहाँ 17 किलो के गोल्ड क्वाइन और सबसे ज्यादा यहाँ जो आकर्षण का केंद्र है वो रहा 18 फुट लंबा सोने का हार जो 10.5 किलो का है। दोस्तों, बात करेंगे दूसरे मंदिर की जिसका नाम है तिरुपति बालाजी। आंध्र प्रदेश में स्थित ये प्रसिद्ध मंदिर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। तिरुपति मंदिर समुद्र तल से 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये मंदिर तिरुमाला के पहाड़ों पर स्थित है। अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी की संपत्ति के बारे में। इसकी टोटल वेल्थ 52,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस वजह से इसे दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में गिना जाता है। बालाजी के 14,000 स्थायी कर्मचारी हैं और 115 करोड़ रुपए का पेंशन फंड है। बालाजी मंदिर का ये सोना CBI और इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा है। मंदिर की ये संपत्ति देश के सबसे बड़े IT कॉरपोरेट हाउस HCL से भी ज्यादा है। मंदिर के पास जहां 52,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, वहीं दूसरी ओर HCL की जो ग्रुप नेटवर्थ है वो 33,000 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं तीसरे मंदिर की जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथपुरी भारत के तटवर्ती शहर में स्थित है। ये मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला है। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 5 अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान को मंदिर की व्यवस्था और सामाजिक कार्यों में खर्च किया जाता है। बात करते हैं शिरडी के साईं मंदिर की। आज से करीब 70 साल पहले बनवाया गया ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। 1.5 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और आलीशान है। शिरडी के साईं मंदिर की वेल्थ अगर देखी जाए तो 540 करोड़ रुपए है। यहाँ के दान पात्र कभी खाली नहीं होते और लोग यहाँ के दान पात्र में सोना और डायमंड तक भी डालते हैं। बात करते हैं सिद्धि विनायक मंदिर की। सिद्धि विनायक मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर गणेश जी को समर्पित है। इस मंदिर में गणपति का दर्शन करने सभी जाति धर्म और समुदाय के लोग आते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामनाओं को तुरंत पूरा करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर भारत के अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ की टोटल वेल्थ अगर देखी जाए तो 125 करोड़ रुपए आंकी गई है। यहाँ करीब 3.75 किलो सोना है। यहाँ रोजाना 25,000 लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। तो ये थे भारत के 5 अमीर मंदिर। दोस्तों, हमने इन मंदिरों के बारे में आपको इसलिए बताया अगर इनका टोटल पैसा इस संकट की घड़ी में PM रिलीफ फंड में चला जाए
तो हम इस भयंकर बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और जो गरीब लोग जिनको 2 जून की रोटी मयस्सर नहीं हो रही है, उनको भी 2 जून की रोटी मिलने लगेगी। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।